श्वेता बुलेटिन में सबसे पहले बात यशवंत सिन्हा की करेंगे जो अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस वक्त वो कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बुरे हाल में है या नहीं है, आज इस बात का जवाब दें कि जो आज इस देश के ट्रेडर्स और बिजनेसमैन हैं उनकी हालत खास्ता है या नहीं है। आज वो इस बात का जवाब दें कि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं वो खास्ता हाल हैं या नहीं है। इस ये जो मुद्दे हैं, आज टेलीकॉम सेक्टर है वो बुरी स्थिति में है या नहीं है। जो मैंने कहा कि सेक्टर आफ्टर सेक्टर ऑफ द इकॉनमी इज इन डिस्ट्रेस, इस बात का जवाब दें। हम हर सेक्टर के बारे में बहस करने को तैयार हैं, लेकिन इन बातों का जवाब देने के बजाय हमारे टाइम में क्या था, हम कितने असफल वित्त मंत्री थे, हम असफल थे तो उन्हीं के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको वहां से हटाकर डिसमिस करके एक बहुत ही अमहत्वपूर्ण बेकार, शायद भारत सरकार का सबसे बेकार जो मंत्रालय है विदेश मंत्रालय, उसमें भेज दिया हमको। जब भारत की फौज पाकिस्तान के आमने सामने खड़ी थी सरहदों पर, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको एकदम बेकार जिम्मेदारी दी विदेश मंत्रालय की। जाकर सुषमा स्वराज से पूछे कि विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी का क्या मतलब होता है। लेकिन इन सब बातों के अलावा उन्होंने कहा कि आडवाणी जी ने उनको ये मशविरा दिया था कि भैया पर्सनल अटैक मत करना, ठीक है। अब मेरी बात को उन्होंने पर्सनल अटैक माना भी तो हमको आडवाणी जी ने नहीं कहा था कि भाई पर्सनल अटैक मत करना, उनको तो कहा था। और ये रिपीट करने के बाद, याद करने के बाद कि पर्सनल अटैक मत करो, उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही और अंत में ये कहा कि 80 साल की उम्र में मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं, अरुण जेटली जी मेरी पृष्ठभूमि भूल गए। और उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यशवंत सिन्हा वही व्यक्ति है जो 12 साल की IAS की नौकरी बाकी थी जब 1984 में मैं राजनीति में आया, और रूलिंग पार्टी में नहीं आया, मैं विपक्ष की राजनीति में आया। मैंने जनता पार्टी उस समय ज्वाइन करी थी जो विपक्ष में थी, और IAS की नौकरी छोड़कर आया, जो नौकरी 12 साल मेरी बाकी थी उस नौकरी को छोड़कर मैं आया। और आज मुझसे कोई कहे कि मैं 80 साल की उम्र में नौकरी मांग रहा हूँ, खोज रहा हूँ, तो इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। और सुनिए, एक मिनट मेरे को समाप्त कर लो। आप लोग सब नई पीढ़ी के लोग हैं, इसलिए आप लोग इस बात को भूल गए होंगे। बात 1989 की है, 1989 की। VP सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, याद है ना आप लोगों को। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि मैं राष्ट्रपति भवन आऊं और मंत्री पद का शपथ लूं, और किसी भी पुराने व्यक्ति से पूछिए कि मैं राष्ट्रपति भवन से वापस आ गया बिना शपथ लिए हुए, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे साथ प्रधानमंत्री जी उस समय के इंसाफ नहीं कर रहे हैं। और जब तक VP सिंह जी प्रधानमंत्री रहे इस देश के, मैं उनकी सरकार में मंत्री नहीं बना, वही राज्य मंत्री जो अरुण जेटली जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बन गए बिना पार्लियामेंट के मेंबर बने हुए, उसके बाद वो पार्लियामेंट के मेंबर बने। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद हमने इनकार कर दिया, IAS की नौकरी हमने छोड़ दी, दर दर की ठोकर मैंने खाई है राजनीति में, आज सब लोग भूल गए, दर दर की ठोकर खाई है। और मैं ये भी बात जोर दे के आपसे कहना चाहूंगा कि राजनीति में प्रवेश करने के 15 दिन के भीतर मैंने अपने लिए एक लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र चुना और वहां से 1984 में चुनाव लड़ा। मुझे 25-30 वर्ष नहीं लगे लोकसभा की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनने में, और इसलिए जिन्होंने लोकसभा की शक्ल भी नहीं देखी है वो आज हमारे ऊपर आरोप लगाए कि हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। 2014 में मैंने तय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरुण जेटली से पूछे कि किसी ने पार्टी में मेरे ऊपर दबाव बनाया था क्या कि आप मत लड़ो चुनाव, मैंने स्वयं तय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं चुनावी राजनीति से अपने को अलग करना चाहता था। तो मैंने IAS की नौकरी छोड़ी जब मेरी 12 साल की नौकरी बाकी थी। मैंने VP सिंह के की सरकार में राज्य मंत्री बनना उचित नहीं समझा। मैंने स्वयं तय किया कि मैं 2014 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इन सब के बावजूद आज वो कहें कि मैं 80 साल की उम्र में नौकरी ढूंढ रहा हूं,
अच्छा लगा मुझे। काफी आहत है आप, अगर बात करें सर जिस तरीके से आपने कहा, एक एक करके पूछे ना, आपने कहा कि सरकार के सब लोग एक साथ पूछेंगे, सरकार के प्रवक्ता जवाब। एक मिनट भाग रहा हूँ मैं, मेरा ही घर है यार, तो यहाँ से कहाँ भागूंगा। सर दुख हो रहा है जिस तरह से आज आपके पर्सन दिख लिए जा रहे हैं, और तो और आपके खुद के पुत्र जो इस समय मंत्री हैं उनको ही उन्होंने मेरे ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूँ नहीं, मुझे दुख नहीं हो रहा। मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पर्सनल अटैक किया मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा था कि मैंने उनके ऊपर पर्सनल अटैक किया जो मैंने नहीं किया था, तो फिर खत्म होगी बात। सर नौकरी की बात करिए, उन्होंने जॉब अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर तो सभी लोग बात करेंगे, जॉबलेस ग्रोथ है, तो उस चीज को लेकर नहीं, वो ठीक है। तो मैंने कहा ना कि वो जाकर पूछें आज के नौजवान, आज की नौजवान पीढ़ी से पूछें, तुम्हें नौकरी मिल रही है? मुझे नहीं पता कि अरुण जेटली के यहाँ, क्योंकि वो लोकसभा में कभी सदस्य नहीं रहे, उनके यहाँ कितने लोग आते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। मेरे पास आज भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी उससे अनेक लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरे को नौकरी दे दो, कहीं मुझे लगा दो। उनका ये शब्द होता है प्राइवेटों में भी लगा दो। आज इतने लोग बेहाल परेशान क्यों हैं? क्योंकि नौकरी नहीं है, नौकरियां खत्म हो गई, घट गई, बढ़ी नहीं, ये स्थिति है। सर एक सवाल, जानना चाहता हूँ। हाँ बोले बोले बोले। आपने कहा है कि जो सरकार के प्रवक्ता है वो जवाब दें, क्या ऐसे वक्त प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इकोनॉमी को लेकर वो हालात साफ करे? वित्त मंत्री से आप जवाब मांग रहे हैं, व्यक्तिगत हमले में तब्दील हो रहा है ये पूरा मामला, आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री? मैं बिल्कुल इसको व्यक्तिगत नहीं होने दूंगा। मैं आज आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं इसको व्यक्तिगत नहीं होने दूंगा। इसलिए नहीं होने दूंगा क्योंकि ये मुद्दों से लोगों को भटकाने का प्रयास है। इसलिए चूंकि उन्होंने इस बात को कहा, उसका मैंने आज उत्तर दे दिया। अब मैं किसी व्यक्तिगत सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर मेरे ऊपर जिन लोगों को जो आरोप लगाना है वो आरोप लगा दें, देश की जनता जानती है मैं कहाँ खड़ा हूँ और कौन कहाँ खड़ा है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, आप जाके प्रधानमंत्री जी से पूछे। आप मान करेंगे? मैं वित्त मंत्री जी से बात कर रहा हूँ, वित्त मंत्री जी से मैं सवाल का जवाब, क्योंकि वो मंत्रालय उनके पास। नोटबंदी का विरोध कर रहे हो, काले धन के समर्थक है, इस पर कहते हैं। आई डोंट नो ये उन्होंने कब कहा, लेकिन मैं जो कि काले धन की बात आई तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी ने तो ये कह के कि चुनावी जुमला है 15 लाख वाली बात खत्म कर दी, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि एक HSBC का लिस्ट आया था, 740 या 750 लोग उसमें थे भारतीय। आज 40 महीने के बाद मैं पूछना चाहता हूं कि उस लिस्ट के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग पकड़े गए, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग जेल में हैं आज के दिन, उन लोगों में से जिनका लिस्ट HSBC के उस कर्मचारी ने उपलब्ध कराया था और जो जर्मनी के माध्यम हम लोगों को मिला। एक नंबर दो, पनामा पेपर्स आए, पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने अपदस्थ कर दिया क्योंकि उनका नाम आया था पनामा पेपर्स में। यहां पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है पनामा पेपर्स में आज तक? बताइए, आज तक कोई कार्रवाई हुई? क्या बात करते हैं अरुण जेटली काले धन के बारे में, हक नहीं बनता। और इसके बारे में अगर ज्यादा जानना है तो जाइए राम जेठमलानी जी के पास, जिन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया है, 9 पेज का पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, छपवाया है उसको पुस्तिका के रूप में, और उन सारी बातों का जिक्र किया है कि कैसे वित्त मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं देश को विदेश में जो काला धन है उस मुद्दे पर। वो लगातार पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो एक एक करके अब लगातार पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट की। क्या ये डिवाइड आ गया है पार्टी के अंदर कि जो मैच्योर सीनियर लीडर्स हैं वो एक तरफ हैं और जो पार्टी? मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने कोई कैंपेन नहीं छेड़ा है, मैंने कहीं जाकर समर्थन नहीं मांगा है, मैंने पार्टी में भी किसी से बात नहीं की है। ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पक्ष में बोलो, मेरे साथ बोलो, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि बहुत लोग खड़े किए जा रहे हैं जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से आक्रमण करें। लेकिन वो उस ने कहा कि यूपी चुनाव जीतना इस बात को दिखाता है कि लोगों ने नोटबंदी का समर्थन किया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, और भी चुनाव जीतेंगे, इसी तरह काम करते रहें,
तो 2019 का चुनाव भी बहुत 2019 जोर से क्या कहना है, क्या हाल है? वो भी कहे गिले कहे जब 2019 आएगा तो। हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि पहले चिदम्बरम जी आपको क्रिटिसाइज करते थे, आप उनको क्रिटिसाइज करते थे, आज आप लोग एक साथ हो गए हैं। हमारी चिदम्बरम साहब से कोई व्यक्तिगत दोस्ती कभी न थी न आज के दिन है। अरुण जेटली जी चिदम्बरम साहब के बड़े निकट के मित्र हैं, आप लोग जानते होंगे। हम एक दूसरे के आमने सामने थे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, इसलिए मैं बोलता था जैसे आज बोल रहा हूँ, उस समय भी बोलता था और बोलूँगा जब मौका आएगा तो। चिदम्बरम ही मेरे खिलाफ बोलते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम तलवार निकाल के एक दूसरे का गर्दन काटें। अगर उनको कुछ मेरी बात पसंद आती है, मुझे उनकी कोई पसंद आती है बात, तो उस पर अगर कहें कि हाँ भाई ठीक बोल रहे हैं, तो इसमें कौन सी अजीब बात है। भारत का प्रजातंत्र बिल्कुल भिन्न किस्म का है, इसको याद रखिए। ये दूसरे विकासशील देशों का प्रजातंत्र नहीं है। यहाँ पर जितनी गर्मा गर्म बहस होती है ना संसद के अंदर, उतनी ही सेंट्रल हॉल में बैठकर गर्मा गर्म चाय पीते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ। इसलिए व्यक्तिगत कुछ नहीं बनता है, राजनीतिक विरोध है, रहेगा। लेकिन मैं फिर जोर देके इस बात को कहना चाहता हूं, हम मुद्दे से भटकने नहीं देंगे सरकार को या वित्त मंत्री को। पर्सनल आरोप लगाकर वो चाह रहे हैं कि मुद्दे से भटक जाएं, नहीं भटकेंगे। मुद्दे पर कायम थे, आज भी कायम है, और आज भी जो मुद्दे हमने उठाए हैं उस पर उनका हम जवाब भर रहे हैं। बड़े सवाल उठा रहे हैं, नहीं आए वित्त मंत्री, इसलिए वो लोगों की दिक्कत समझ नहीं रहे। कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो लोकसभा का सदस्य है ना, वही समझ सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना, कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15-20 लाख लोगों की आबादी होना, वोटर्स की आबादी, इसका क्या मतलब होता है। समझे ना, ये 24/7 जॉब है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा करना, ये कोई मामूली काम नहीं है। और इसीलिए जिसके पांव में छाले पड़ेंगे वही समझेगा कि उसका दर्द कैसा। सर, अगर वित्त मंत्री के तौर पर नाकाम रहे हैं, वित्त मंत्री अगर नाकाम रही हैं, तो क्या उनको पद पर बने रहने का अधिकार है? इसी पर नहीं, ये प्रधानमंत्री, ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछे, ये सवाल कि उनको पद पर बने रहना चाहिए कि नहीं, ये प्रधानमंत्री को तय करना है। हम तो श्वेता, शत्रुघ्न सिन्हा ने ठीक कहा था कि बात जब निकली है तो दूर तलक जाएगी, और इतनी दूर तलक पहुंच गई कि अब व्यक्तिगत निशाना साधा जा रहा है। दो धड़ों की बात बीजेपी में की जाती रही है वो साफ तौर पर, लेकिन यशवंत सिन्हा ने साफ कर दिया कि इसे व्यक्तिगत नहीं होने देंगे और मुद्दे की बात जो है वो करेंगे।